हैं आप लोग? होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं आपका एजुकेटर मिस्टर वीरेंद्र सिंह। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं। वैसे तो इंपॉर्टेंट जैसी कोई बात नहीं होती है, बट कई बार ऐसा लगता है कि हम जैसे कोई एजुकेटर बोला कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, यही आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी आ सकता है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। बट सवाल ये आ जाता है कि जो इंपॉर्टेंट है या जो एनालिसिस के थ्रू हमें क्या लगता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जैसी कोई बात नहीं होती, लेकिन विथ एनालिसिस जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ यार ये थोड़े से क्वेश्चंस है जहां से कि क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। और बेसिक आपको पता ही है, जितने भी पाथवेज आप पढ़ते हैं अगर बेसिक तौर पर जब बात की जाए तो वट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या हो जाएगा कि अगर गेट एक्सेल के ऊपर बात करें, किसके ऊपर? गेट एक्सेल के ऊपर बात करें तो गेट एक्सेल के कंडीशन में वो इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या हो सकते हैं। गेट एक्सेल के लिए जो इंपॉर्टेंट है, बायोकेम की अगर मैं बात करूं तो बायोकेम में बहुत कुछ आ जाता है जो कि इंक्लूडेड होते हैं। जैसे कि आपके पास बायोकेम में पाथवेज को जरूर पढ़ लें। पाथवेज में खासकर देखो की रेगुलेटरी जो कि ग्लाइकोलिसिस, जैसे ग्लाइकोलिसिस है, रिस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस में रिस्पिरेशन है, क्रेब्स साइकिल है, इन सभी में जो की रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना, रेगुलेटरी एंजाइम्स है, की स्टेप्स है, उनके बारे में जरूर चर्चा कर ले। साथ में बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम से क्वेश्चंस आते हैं, अमीनो एसिड्स के बारे में प्रॉपर्टी पढ़ ले, कुछ जो कार्बोहाइड्रेट में जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं वो आइसोमर वाले सेक्शंस होते हैं वो पढ़ ले, या जो लिंकेज होते हैं जैसे किसमें लेक, किसमें अल्फा लिंकेज, किसमें बीटा लिंकेज है, ये सब क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ये सब बायोकेमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आरडीटी इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चंस आते हैं वो इंपॉर्टेंट है, सेल बायोलॉजी से खासकर मेम्ब्रेन रिलेटेड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मॉडल्स और चीजें जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट। ये सब इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि ये मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक्स है। मैं इनको इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकता, ये बोल सकता हूं कि मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक्स है जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं। ये आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, ऐसा भी चांसेस हैं, ठीक है। सो ये सब चीजें हैं। माइक्रोबायोलॉजी में जब भी आप बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस माइक्रोबायोलॉजी के साथ भी तो हो रहे होंगे, क्या हो रहे होंगे जरा समझिए, ठीक है। अब समझने की इस पे कोशिश करते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी के साथ साथ क्या हो सकता है। माइक्रोबायोलॉजी में जब भी आप बात करते हैं तो ग्रोथ बिल्कुल ना छोड़े, ग्रोथ से क्वेश्चन आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, डेथ से क्वेश्चन आएगा खासकर काइनेटिक्स से इंपॉर्टेंट है, मीडिया से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इसके बाद जो आपके स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है उससे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब आते हैं, कभी कभी जेनेटिक्स से क्वेश्चंस आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से हैं जहां से मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं माइक्रो के केसेस में। कुछ ऐसे होंगे जो बॉटनी के केसेस है, वहां पे भी आप देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, फ्लोरल फॉर्मूलाज है, कुछ ऐसे क्लासिफिकेशन है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि एंजियोस्पर्म की क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिम्नोस्पर्म की क्या है, ब्रायोफाइटा का क्या है, ये सब आप देख सकते हैं। इनके अलावा बॉटनी में कुछ और क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस आते हैं, खासकर मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स से रिलेटेड, फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चंस आएगा। साथ में इकोनॉमिक बॉटनी, मतलब कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, कौन से प्लांट प्रोडक्ट्स बहुत बेनिफिशियल है, कौन से नहीं है, उनसे रिलेटेड है। समटाइम प्लांट टिश्यू कल्चर्स एंड प्लांट हॉर्मोन से भी क्वेश्चन आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब कुछ पढ़ना है, तो फिर मतलब ही क्या था। याद रहे कि इन सभी में आपको ये भी मैं बता रहा हूं कि क्या फोकस करना है, हार्मोन्स के फंक्शंस, ऑक्सिन क्या करता है, जिब्रेलिन क्या करता है, सीएसआईआर जैसा नहीं पढ़ना है, इन सब चीजों के की पॉइंट्स में यहाँ पे की पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूं और मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक्स मेंशन कर रहा हूं, वो आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ जूलॉजी, जूलॉजी तो समझ लीजिए अगर बायोकेमिस्ट्री पढ़ ली तो 50% जूलॉजी तो हो गई, थोड़ा सा पोर्शन इसमें और क्या कर लेना है। जूलॉजी के ऊपर अगर बात करूं तो थोड़ा सा पोर्शन जो है वो आपको ये कर लेना है कि बायोकेमिस्ट्री से तो 50% हो ही जाएगा, है ना, जूलॉजी में बायोकेमिस्ट्री से 50% हो गया, जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है वो क्या होगा, वो जैसे कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल में खासकर जीन्स, इसमें जेनेटिक्स से आएगा ही आएगा, क्लासिकल जेनेटिक्स में खासकर लिंकेज और मैपिंग बहुत क्वेश्चंस आता है, इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स, इवोल्यूशनरी में कौन सा, हार्डी विनबर्ग के प्रॉब्लम्स, ये की पॉइंट्स है। पूरे सब्जेक्ट में भी कहां से चीजें आ रही हैं उनके ऊपर बात की जा रही है। क्लासिफिकेशंस में आपको लार्वा,
के बारे में जानकारी हो, कौन कौन से लार्वा किस कैटेगरी में है, सात एक्सक्रीटरी सिस्टम किसमें क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम किसमें क्या है, और कुछ बेसिक जो अलग करता है किसमें बायलेटरल सिमेट्री है, किसमें क्या है, किस तरीके से चीजें चल रही हैं, वो आपको देखना है। ठीक है, जूलॉजी में कुछ इस तरीके से आ जाता है। तो बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने डिस्कस करने की कोशिश करी। सवाल यह जाता है, ये तो रही एक्सेल की बात, बीटी में, बीटी को देखते हुए बेसिक क्वेश्चंस तो आपके लिए भाई चल ही रहा है ना। अगर चर्चा करूं तो मैं बीटी की बात कर रहा हूं। बीटी में कई अलग अलग सेक्शंस हैं, इन अलग अलग सेक्शंस के ऊपर चर्चा करने की कोशिश करें। तो बेसिक सा है आपको अमीनो एसिड, जो मैंने बायोकेमिस्ट्री बताई थी पूरा समझ लीजिए बायोकेमिस्ट्री में, वो आपको इंपॉर्टेंट है बीटी के लिए। लेकिन सिर्फ बायोकेमिस्ट्री नहीं है, माइक्रो भी है। तो याद रहे अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स के फंक्शंस और खासकर काइनेटिक्स, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स है। सेल से रिलेटेड जो शॉर्टिंग के सिग्नल्स और कुछ जो है सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शंस, वो है साइटोस्केलेटन का क्या रोल है, ये सब चीजें। इसके अलावा जब हम बात करें तो आपके पास कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती हैं सेल वगैरह के साथ। मूल बायो में खासकर एंजाइम्स और उनकी फंक्शंस, कौन कौन से एंजाइम क्या करते हैं, कहां कहां पे की रेगुलेटरी फैक्टर्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव सम मेटाबॉलिक पाथवे जैसे रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म, ये सब चीजें आने के भी भरपूर चांसेस हैं या नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। इसके बाद बात करूं तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आ सकते हैं बायोप्रोसेस में। कीमोस्टैट को बिल्कुल ना भूलें, कीमोस्टैट से भी प्रॉब्लम आ सकता है बायोप्रोसेस में। कीमोस्टैट के साथ साथ आजकल हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर का बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। केएलए से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, स्केल अप से रिलेटेड फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये कुछ ऐसे बेसिक्स है जहां से क्वेश्चन आते हैं, समटाइम्स बैच कल्चर से, ठीक है, जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। कभी कभी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से तो कभी कभी ऐसे आए हैं, बट रेयर हैं, इनसे ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं बायोप्रोसेस में। बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो उसमें डाटाबेसेस होते हैं, ठीक है ना। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में क्या करेंगे आप, डेटाबेसेस ले लीजिए, जो आपके डेटाबेसेस है उनको ले लीजिए, डेटाबेसेस के साथ टूल्स जो होते हैं वो, फिर आपके कई सारे फाइलोजेनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं वो आ सकते हैं, खासकर ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और किस में क्या करते हैं, ये सब चीजें आ सकती। तो ये कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जिनको आप देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव सम प्रॉब्लम्स एज वेल, बायो इन्फो, बायो प्रोसेस, ये कुछ बेसिक्स है। मैथमेटिक्स, ठीक है, अब मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में पहले ऐसा लगता था कि कुछ पैटर्न है, लेकिन अभी मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, अभी मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक्स में अभी भी बात करें तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, ये आपने देखा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी आ सकते हैं, वो कौन से हो सकते हैं, वो आपके जो होते हैं दैट इज लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन, कभी कभी लाप्लास से आता है, कभी कभी जो है इंटीग्रेशन से आता है, सेकेंड कह सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन से आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं। अब इन बीटी की बात कर ली, होप कि आप लोग सुनते वक्त लिख रहे होंगे, अगर नहीं लिख रहे होंगे तो वीडियो को पीछे से करके, क्योंकि हो सकती है कि मेरी राइटिंग जल्दी समझ में ना आए, क्योंकि मैं सिर्फ आपको बोलते हुए समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं प्रॉपर, तो आप वीडियो को पूरा ना करिए, कॉपी पर लेके बैठ के इन टॉपिक्स को आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो इन सब चीजों के अलावा जो है आपके पास एक और कंडीशंस बनता है, दैट इज एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के फिक्स पैटर्न्स होते हैं थोड़े बहुत, जैसे कि कुछ आपके वर्बल कम्युनिकेशन से होते हैं, पैराग्राफ से बेस्ड होते हैं। कुछ एप्टीट्यूड्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग में खासकर सिलोलिज्म हो गए, या अलग अलग जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, तो गेट में इस यूनिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप दूसरे स्ट्रीम के गेट के एप्टीट्यूड क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, जो दूसरे स्ट्रीम्स खासकर जो रिलेवेंट है इकोलॉजी इवोल्यूशन वाले,
जो आपके फील्ड के हैं फूड टेक्नोलॉजी वाले, या कुछ अलग अलग जो कंडीशंस हैं उनसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देख लीजिए, वो भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। रिपीट होने के चांसेस भी समटाइम्स होते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने कुछ ऐसी बातें करी कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक्स। मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बजाय क्या बोलने की कोशिश करूंगा कि ये जो है मोस्ट आपके, ठीक है, तो इसी चीज की बात की जा रही थी, ठीक है। चलिए तो बात करने की कोशिश करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैगमेंट्स के ऊपर, ठीक है, नाइस। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्या या मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक्स, उनसे कैसे आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि इनके अलावा भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं या कुछ ऐसे टॉपिक्स जिस पे आपको वीडियो बनाए जाने चाहिए तो जरूर बताइएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप करिए कि सर ये भी चाहिए मुझे, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, मैं जल्दी बोलता नहीं हूं, इट्स टोटली अप टू यू। अगर मन करे तो करिए, नहीं मन करे तो मत करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।